और राइट दोस्तों, ये है रियल मी GT6 जिसकी कीमत आप लोग को 41,000 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाती है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं से काफ़ी सारी वीडियोज़ लाते रहते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें आप लोग को एक मिनी बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है, उसके अंदर आप लोग को मिलेगा एक केस रखा हुआ जो कि सिलिकॉन वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। इसमें आप लोग को मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, फिर आप लोग को फ़ोन में रखा हुआ मिल जाएगा। इसको साइड करते हैं, इसमें आप लोग को टाइप सी चार्जिंग केबल भी रखी हुई मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें आप लोग को 120 वाट का सुपर वुक चार्जर भी रखा हुआ मिल जाता है। फ़ोन में आप लोग को 5,500 mAh की बैटरी भी देखने के लिए मिलेगी। चलिए इस फ़ोन को जल्दी से प्लास्टिक रैपिंग हटाते हैं, फिर आप लोग को फ़ोन दिखाते हैं फ़ोन कैसा है। इसके पीछे कुछ स्टीकर वगैरह लगे हुए, इसको भी हटा देते हैं। इसके फ्रंट में भी आप लोग को एक डिटेलिंग वाले काफ़ी स्टीकर वगैरह लगा हुआ मिल जाता है, इसको भी निकाल ही देते हैं। फर्स्ट लुक में फ़ोन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। चलिए इसके पूरे कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, इसके सारे पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो नीचे इसमें आप लोग को मिल जाएगा सिम ट्रे, फिर आप लोग इसमें मिलेगा स्पीकर, माइक, फिर साथ इसमें आप लोग को चार्जिंग जैक नीचे देखने के लिए मिल जाता है। फ़ोन में आप लोग को थोड़ा कर्व डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलेगा। इसी साइड इसमें आप लोग को मिल जाएगा वॉल्यूम बटन, पावर बटन, इसमें आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। इस फोन के कैमरा में आप लोग को थोड़ा सा बम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद इसमें आप लोग को ऊपर मिल जाएगा स्पीकर, एक IR ब्लास्टर, एक आप लोग को सेकेंडरी माइक भी देखने के लिए मिलता है। आप लोग को कैमरा बम कभी स्क्रैच वगैरह नहीं आने पाए, क्योंकि इसमें आप लोग को केस भी दिया हुआ मिल जाता है। फ़ोन का अगर आप लोग पूरा डिजाइनिंग बारे में बात की जाए तो इसमें आप लोग को पीछे पूरा प्लास्टिक डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कहीं भी आप लोग ग्लास वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। इसका कैमरा मॉड्यूल के पास थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग हो जाता है, तो इस पर स्क्रैच वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। तो इसको आप लोग बिना कवर के फ़ोन यूज़ कभी भी मत करिएगा। फ़ोन का आप लोग का जितना सिल्वर पार्ट है सब स्क्रैचेस पे लग जाएगा। चलिए इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और आप लोग बताते हैं आप लोग फ़ोन में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती हैं। तो फ़ोन के फ्रंट में आप लोग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। इसका पहला इंटरफेस देखा जाए तो इसमें आप लोग को सामने 6.7 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले लगी हुई मिल जाएगी, जिसकी पीक ब्राइटनेस आप लोग को 6000 nits देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही इसमें आप लोग कलर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ मिलेगा। इसमें आप लोग काफ़ी सारे ब्लोटवेयर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जब आप लोग 40,000 रुपये खर्चा करते हैं तो कंपनी वालों को एटलीस्ट में ब्लोटवेयर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। अब बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, तो इसमें आप लोग को 60 और 120 दोनों का ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मेरा रिफ्रेश रेट समय ऑटो सेलेक्ट पे इसको हम लोग 60 और 120 दोनों ही कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ोन पे इस प्राइस पॉइंट में 144 का भी ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें आप लोग को सिर्फ 120 तक ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें आप लोग को स्मार्ट रिजोल्यूशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड और हाई दोनों कर सकते हैं। हम इस समय इसको हाई कर देंगे तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के आउटडोर विजिबिलिटी की, तो इस समय डायरेक्ट सनलाइट में हमने इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसमें आप लोग कलर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आप लोग को 6000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने की मिलेगी, जो कि आउटडोर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस फ़ोन को बना देती है। यहीं पे आप लोग को कोई नॉर्मल फ़ोन होता है उसमें आप लोग इसका डिस्प्ले विजिबल बिल्कुल भी ना होता। चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो उसमें पीछे आप लोग को 3 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड। इसके साथ इसमें आप लोग 50MP का टेलीफोटो लेंस भी देखने के लिए मिलेगा। इसके फ्रंट में इसमें आप लोग को 32MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप लोग को सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है LYT808, जिसके कारण से पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस फ़ोन में आप लोग दोनों ही कैमरे से 4K पे 60fps तक वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वीडियो क्वालिटी में आप लोग OIS वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। इस फ़ोन का बस आप लोग को एक ही डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, वो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा। अगर इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा और हाई रिजोल्यूशन का होता तो ये फ़ोन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता कैमरे के मामले में भी, लेकिन इसमें भी इस समय फोटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। इसका इसमें आप लोग काफ़ी सारे मोड्स वगैरह भी देखने के मिल जाएंगे। फ़ोन के साथ आप लोग को जो कवर देखने के मिलेगा उसकी क्वालिटी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के मिल जाती है। इस फ़ोन में आप लोग को Snapdragon 8S Gen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाता है आप लोग के सारे काम करने में। फिर आप लोग चाहे बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तब भी, अगर आप लोग नॉर्मल यूज़र हैं तब भी आपका फ़ोन कभी लैग नहीं करेगा। इसके साथ ही इसमें आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इसमें गेमिंग मोड वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपके फ़ोन को और ज़्यादा इन्हेंस बना देता है गेम खेलते समय। ये मेरा फ़ोन 8GB RAM वाला वेरिएंट है। इसके साथ इसमें आप लोग 12 और 16GB RAM भी खरीद सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसका 8GB RAM वाला वेरिएंट परचेस किया हुआ है। चलिए बात करते हैं वर्डिक्ट की, आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या फिर आप लोग ये फ़ोन स्किप कर देना चाहिए।
देखिए इस फोन की कीमत आप लोग को 8 GB रैम वाले की मिल जाएगी 41,000, जिसको अगर आप लोग ऑफर वगैरह लगाते हैं तो ये फोन आप लोग को 38,000 रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस पॉइंट में। इसमें आप लोग को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा, साथ ही इसमें आप लोग को सामने एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई मिल जाएगी, जिसकी पीक ब्राइटनेस आप लोग को 6,000 निट्स देखने के लिए मिलती है। इस फोन में आप लोग को सिर्फ एक डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलेगा, वो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि सिर्फ 8 MP का है। वो अगर आप लोग का 13 MP या फिर 50 MP का होता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर हो जाता और सारे कॉम्पिटिशन से। तो अल्ट्रा वाइड कैमरे के मामले में फ़ोन आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल सा 8 MP का कैमरा दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग ये फ़ोन बिल्कुल परचेज करिएगा, आप लोग फ़ोन कहीं से भी दिक्कत नहीं करेगा। फिर आप डिस्प्ले अच्छा चाहिए, चार्जिंग स्पीड अच्छी चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, तो आप लोग ये फ़ोन कहीं से भी दिक्कत नहीं करेगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ लाते रहते हैं।